हे गाइस हाउस ऑफ स्किप मत करो, सुनो पहले। जब भी हम फोटोशूट करने के लिए घर से निकलते हैं तो हमारा माइंड में एक ही ख्याल होता है कि लोकेशन कौन सी लोकेशन पर फोटोशूट करें। तो फर्स्ट नंबर पे आता है सड़क, रोड। तो अगर रोड के बारे में बात करें तो हम दो या तीन ही पॉज कर लेते हैं, उसके बाद हमारे माइंड में और कुछ ख्याल नहीं होता कि और किस तरह से पॉज करें। तो आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ लाइफ आप रास्ते पर, रोड पर किस तरह से आप अनलिमिटेड पॉज कर सकते हो, वो भी स्टेप बाय स्टेप खुल के बात करने वाला हूँ आप किस तरह से अनलिमिटेड पॉजेस कर सकते हो। अगर आपके घर के नज़दीक भी इस तरह की कुछ लोकेशन है जिस पर आपको लगता है कि एकदम बेकार है, उस जगह आप कुछ भी पॉज नहीं कर सकते हो, वैसा एक लोकेशन फोटो खींचकर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं उस टॉपिक पर और एक वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा एपिसोड हिसाब से। अगर आप चाहो तो वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, अगर आपके कमेंट में ज़्यादा लाइक आ गया तो उस कमेंट पर आपके नाम मेंशन करके मैं और एक वीडियो लाऊंगा। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जल्दी से एक लाइक कर दो, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। तो देखते हैं वीडियो कैसा होता है। तो गाइस इसी सड़क पर करने वाला हूँ फोटोशूट। बहुत सारी लोकेशन में गया लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस जगह मुझे फोटोशूट करना पड़ रहा है। और आपके घर के नज़दीक भी आसपास ऐसी रूट मिल जाएगा जो बहुत ही बढ़िया होगा, आप उधर ही कर पाओगे क्योंकि मुझे वीडियो करना है, इसके वजह से ट्रैफिक नहीं चाहिए, तो आप उधर कर लेना। और मेरा जो कैमरा है वो है निकॉन 5200 और लेंस है 300x55। और मैं मिनरल पर फोटो क्लिक करूँगा, आप सेटिंग देख सकते हो, इस तरह से मैं फ़ोटो क्लिक करूँगा और आपके हिसाब से आप सेटिंग कर लेना। और मैं जो कैमरा से फोटो क्लिक करने वाला हूँ, आप चाहो तो फ़ोन से भी क्लिक कर सकते हो, बस एंगल ध्यान रखना, थोड़ा लॉ एंगल से फोटो क्लिक करना। आई बटन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो और एक वीडियो बना के रखा हो मोबाइल फोटोशूट। और गाइस अगर आप रास्ते पर फोटोशूट कर रहे हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है, एक है आप खड़े होकर पॉज करो, और दूसरा है आप बैठ कर करो, और जो तीसरा पॉज है वो आपको एकदम बैठ कर लेग टास करके होता है, मतलब ज़मीन में लेग टास करके बैठना होता है, वैसे करके आप एक पॉज कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं ट्राई करता हूँ, पॉज करूँगा वो खड़े होकर, आपको सीधा इस तरह से खड़े होकर पॉज करूँगा। अगर आप खड़े होकर पॉज कर रहे हो इस पर भी आपको 3 ऑप्शन होगा, एक होगा आप चलते टाइम इस तरह से मूव कर रहे हो इस तरह से, तो मैं दिखाता हूँ। पास अनलिमिटेड पॉजेज है, बस आपका लेग एंड पैर इस तरह से ठीक रखना है। रखने के बाद आपका जो हैंड होगा आप किसी भी तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो मैं दो फोटो क्लिक करके देखता हूँ, फास्ट करूंगा इस तरह से, नेक्स्ट करूंगा इस तरह से, एंड नेक्स्ट करूंगा इस तरह से। और हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है मूव करने टाइम, आप जैसे मूव कर रहे हो, चल रहे हो, इस तरह से आपको पैर रखना है। रखने के बाद आप सेम उसी तरह से बहुत सारी पॉज कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से सेम, इसी तरह से, इसी तरह से, इसी तरह से, नहीं तो इसी तरह से, आप बहुत सारी ऐसे लेग करके, मतलब ऐसे पैर इस तरह से रख कर आप और भी अनलिमिटेड हैंड इस तरह से कर सकते हो। मैं जो फास्ट पॉज करूँगा वो करूँगा एक हैंड पीछे इस तरह से बेल्ट पर पकड़ कर, और एक हैंड इस तरह से रैंडम रखूँगा। और जो नेक्स्ट करूँगा वो करूँगा इस तरह से चश्मे पकड़ कर। नेक्स्ट आता है आपका पैर आपको इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से करने के बाद आप भी इधर भी अनलिमिटेड हैंड मूव कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से सेम उसी तरह से आप अनलिमिटेड इस तरह से भी मैं हैंड ऐसे पीछे रखूँगा और एक पीछे रखूँगा। करूंगा तो थोड़ा पैर ऊपर उठा लूंगा और इस तरह से टास्क करने की कोशिश करूंगा और इस तरह से लुक इस तरह से करूंगा। और नेक्स्ट जो होगा वो पैर सामने से दूंगा, ऐसे देने के बाद आपका जो हैंड होगा सिर पर इस तरह से रखूंगा और इस तरह से लुक्स करूंगा। अभी आता है नंबर 2, बैठ कर आप इस तरह से बैठ सकते हो, तो आप इस तरह से बैठकर आप कुछ भी कर सकते हो, हैंड ऐसे मूव करो या ऐसे करो, या पीस में इस तरह से रख दो, या पीछे रखो, या ऐसे। तो मैं जो करूँगा इस तरह से करूँगा, एक पॉज करके देखता हूँ। इधर भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, पहला आपको इस तरह से और दूसरा जो होगा आपका पैर इस तरह से रहेगा। अगर ऐसे रखोगे, रखने के बाद आपका हैंड कुछ भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपका हैंड ऐसे पीछे भी रख सकते हो, इस तरह से रख सकते हो,
आप कुछ भी कर सकते हो। मैं करूँगा इस तरह से, और एक करूँगा इस तरह से, और आप इस पोज में एक करूँगा इस तरह से, हाथ आप पीछे भी इस तरह से रख सकते हो। तो नेक्स्ट नंबर पे आता है लेग जमीन टास करके बैठना इस तरह। अगर आप इस तरह से बैठोगे तो इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, आपका पैर इस तरह से रख सकते हो और एक इस तरह से रख सकते हो। अगर आप इस तरह से रखोगे, रखने के बाद आप इस तरह से भी पोज कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपका हैंड अनलिमिटेड कर सकते हो। जितने भी करोगे वो हर एक पोज ही होता है। अगर आप एक ही लोकेशन पर सारे मूव यूज़ करके आप फोटो क्लिक करोगे तो आप वो फोटो पोस्ट नहीं कर सकते हो, या सेम लगेगा। अगर आप अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग हैंड इस तरह से करके अगर आप फोटो क्लिक करोगे तो सारे फोटो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड होगा वो अलग होगा। तो मैं जो फर्स्ट पोज करूँगा इस तरह से करूँगा, और नेक्स्ट करूँगा इस तरह से, और अभी नेक्स्ट ऑप्शन आपका पैर इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने के बाद भी आप सारे पोज कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, या इस तरह से, और इस तरह से पीछे रख सकते हो, ऐसे कर सकते हो, आप बॉडी कुछ भी मूव कर सकते हो, बस आपका पैर इस तरह से ठीक रखना है, जैसे आप इसको फिक्स कर लेना है। तो मैं एक करूँगा हैंड इधर रखूँगा और एक हैंड इधर नीचे रखूँगा, रखने के बाद पॉज इस तरह से होगा और आपका लुक्स होगा एकदम सीधा। अगर आप खड़े होकर पॉज कर रहे हो तो आपका लुक्स थोड़ा डाउन होगा, कैमरा अगर डाउन एंगल से फोटो क्लिक हो रहा है, और मेरा जो फोटो क्लिक हो रहा है हर फोटो डाउन एंगल से हो रहा है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से मैं एक पॉज करूँगा, और जो नेक्स्ट करूँगा सेम इसी तरह से होगा, बस हैंड इस तरह से करूँगा, ऐसे करूँगा, ये थी हमारे कुछ ट्रिक एंड अनलिमिटेड पॉजेस। तो आप अगर इस तरह से रूल यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप करोगे, अगर आप एक ऑप्शन बाय ऑप्शन करोगे तो आप अनलिमिटेड कर सकते हो, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो इतना पॉज हो सकता है। एक हैंड थोड़ा कम ज़्यादा करोगे, बस थोड़ा मूव करते ही एक पॉज बन जाता है। तो गाइस, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी काम की लगे तो फटाफट से लाइक कर दो, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक